अच्छा रिकॉर्डिंग बंद थी, पता नहीं पहले रिकॉर्डिंग थी या नहीं थी, हमने तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया। आई डोंट नो, दिस वाज द फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज में। ये अच्छा क्वेश्चन है, बट ये वापस आएगा, मैक्सिमम मिनिमम वापस इस टाइप का समझाना पड़ेगा। इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, और अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो फर्स्ट पार्ट क्या करें, एफ डैश एक्स, तुम ही बता दो आंसर क्या है, वो डायरेक्ट बता दो। हाँ बच्चे, ऑल यार क्या पहले में ही रेड मार रहे हो क्या? माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन माइनस 1 से माइनस माइनस इनफिनिटी से देख माइनस 1 यूनियन 1 यूनियन टू वन से इनफिनिटी। इनफिनिटी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से गलत गलती करी है तुमने। एफ डैश एक्स इज 5x4 बाय 5 माइनस 3x2 बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट ना? यस सर, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अब याद करो, इवन पावर को उड़ा सकते हैं, बट दिस शुड बी प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर, याद आया? यस यस सर। सर। इसका आंसर आ गया माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी यूनियन 0, करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक यस सर। है, चलो कब फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट को देखो मेरे साथ। ये रहा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, ये आंसर ही बता दो तुम पहले, फिर मैं आंसर चेक कर लूंगा अगर तो बोलो। सर 0 to 1 यूनियन टू से परफेक्ट इन्फिनिटी। सर है, 0 to 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, किसी को डाउट नो सर। है? चलो फिर कंटिन्यू, थर्ड पार्ट हो गया है क्या, तो डिस्कस कर रहे हैं या फिर कर रहे हो? ठीक सर 1 मिनट कर लो। है, कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा यहाँ पे एक जीरो की एक स्पेशल पॉइंट का देखना एक बार, जीरो के बारे, जीरो पे श्योरिटी से बताओ कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो तो हमने सिर्फ इक्वल टू जीरो के कारण लिया है। एम आई करेक्ट इनफ एवरीवन? यस और सर। जीरो एफ डैश जब जीरो हो जाता है तो मैं ध्यान रखना चाहिए कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे है, लेट्स एनालाइज इट कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो एफ डैश एक्स आया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ तक ओके ना? यस सर। अब ये तो पॉइंट, ये तो मोनोटोनिसिटी है पॉइंट का क्वेश्चन हो गया ना एवरीवन। तो यस सर। एफ डैश जीरो तो जीरो आ गया, फिर मैंने क्या सिखाया था, क्या निकालना चाहिए बोलो? LHD RHD। वेरी गुड, एल एच डी एंड आर एच डी निकालना चाहिए, याद आया? यस यस सर। तो एल एच डी आर एच डी पहले कर लो, 0+ ये तो पॉजिटिव इनटू 0+ का स्क्वायर इज 0+, 0+ माइनस वन इज नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा ये? नेगेटिव एल एच डी 0-, 0- का स्क्वायर पॉजिटिव, 0- का स्क्वायर पॉजिटिव माइनस वन वापस नेगेटिव हो जाएगा, क्या आया वापस? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब 0 के आसपास क्या कर रहा है बच्चों? डिक्रीज। डिक्रीज रहा है, समझ गए एवरीवन? जल्दी यस सर। यस सर। से सही कर देना और आगे बढ़ो।
चलो हो गए थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट एवरीवन। यस सर। थर्ड पार्ट का आंसर सर माइनस इनफिनिटी टू जीरो यूनियन वन से टू। ओके, मुझे उल्टा लग रहा है बट चेक करूंगा मैं। एट डैश एक्स यूज कर दे बच्चे इज इक्वल्स टू 2x e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स is greater than equal to 0 e की पावर माइनस एक्स इनटू एक्स कॉमन 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एक्सपोनेंट ऑलवेज पॉजिटिव होता है उड़ा दिया करेक्ट बच्चों यस सर 0 से 2 आंसर आया है ना नलाय को यस सर फोर्थ पार्ट का आंसर एनीबॉडी सर e टू इनफिनिटी e टू इनफिनिटी e टू इनफिनिटी ओके चेक करना पड़ेगा u बाय v रूल लगा दूं ना बच्चों यस सर ln स्क्वायर x ln x इनटू 1 माइनस ln x इनटू 1 माइनस x इनटू 1 बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अब डोमेन वोमेन तो ध्यान रखना ही x ग्रेटर देन 0 सुन लिया हां अब ln स्क्वायर x का क्या करूं ऑलवेज सर क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव करेक्ट ना यस सर तो डोमेन इज एक्स ग्रेटर देन 0 एट द सेम टाइम एक्स 1 नहीं हो सकता एग्री करो यस सो अभी तक आ गया ln x minus 1 इज ग्रेटर देन 0 ln x इज ग्रेटर देन 1 x इज ग्रेटर देन e तो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस यही आंसर है e टू इनफिनिटी सब कुछ इजी है ना यहां यस सर यस सर Five seconds to copy. करो ये हो रहा है बच्चों ये क्वेश्चन हाँ या नहीं तो मैं जब ट्रिगो इक्वेशन पढ़ाया तो किसी ने सिखाया ट्रिग्नोमेट्रिक बेबी को कैसे सॉल्व करते हैं याद नहीं
बोलो ना यार, क्या हाँ है ना? नो सर। मतलब जैसे ये वाला मैं कर लूँ, फिर नेक्स्ट तुम करोगे, बेटर है? नेक्स्ट बहुत इजी है। मैं एक एक लल्लू वाला मैं बता देता हूँ। देखो इधर, अगर कभी हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन, मतलब मैं तो डिफिकल्ट वाला ले रहा हूँ, ये वाला तो चलो और इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। इंटू कॉस एक्स माइनस हाफ, कॉस एक्स माइनस वन की जगह लेते हैं अपन, कॉस एक्स माइनस रूट थ्री बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो। इज दैट ओके यहाँ तक क्वेश्चन? इन जीरो से पाई में आंसर निकालना। तो मैं सबसे पहले क्या मार्क करूंगा, जीरो एंड पाई। अब सबके क्रिटिकल पॉइंट मार्क करूंगा। साइन एक्स का क्रिटिकल पॉइंट बोलो पाई बाय टू, सॉरी माय मिस्टेक, साइन एक्स का क्रिटिकल पॉइंट जीरो एंड पाई, जीरो है ना बच्चों? ओके नेक्स्ट, कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू, कॉस एक्स रूट थ्री बाय टू क्या होगा, 30 डिग्री पाई बाय सिक्स। हाँ बच्चों, यस सर। फिर cos x equals to half का क्या होगा, 60 डिग्री। हाँ बच्चों, yes. तो सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क हो गए, यस 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 सर। नॉर्मल बेबी कर्व में क्या होता है, हम बिना सोचे समझे प्लस लिखते हैं, याद करो। यस सर। बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रा नहीं है, तो यहाँ पे प्लस होना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे ऐसे। बट अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज तो होगा ही होगा, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है, बट कहीं भी कोई साइन फिक्स नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फिर क्या करोगे, एक जगह साइन सोचना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes. तो कहाँ पे साइन सोचना पसंद करूंगा मैं, तो ओरिजिन के आसपास साइन सोचना पसंद करूंगा, क्यों? क्योंकि बहुत इजी होता है, हाँ है ना? Yes, yes. जीरो से 30 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल लूंगा और मेरे को साइन पता लग जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या ले रहा हूँ, 1 डिग्री ले रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही पता करना है ना, हाँ है ना बच्चों? यस यस। चलो 1 डिग्री के आसपास ये क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव, ओके। 1 डिग्री के आसपास इसके इसका साइन पता करने के लिए मुझे कॉस 1 डिग्री पता होना चाहिए, कि वो तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 0.99। कॉन यस यस। 0.99 माइनस दिस क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ है ना बच्चों? यस यस सर। ये भी क्या होगा फिर, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो गया, इज दैट क्लियर? यस यस सर। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे वापस साइन सोचना है या चेंज ही होगा? चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। फिर अब ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो आंसर हो जाएगा जीरो टू पाई बाई सिक्स यूनियन पाई बाई थ्री टू पाई। समझ में आ गया? यस सर। करो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से।
अब हो रहा है ये वाला क्वेश्चन? कॉमन लो फैक्टराइज करो, जल्दी से करो। ओके, टाइम टू डिस्कस, ऑलमोस्ट 10 seconds और, जल्दी से आंसर। चलो मेरे साथ डिस्कस करो आप। टेल मी क्या कॉमन आ रहा है? यस कॉस स्क्वायर माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 2, एम आई करेक्ट क्या बच्चों? सब प्लस 5 प्लस 5 सॉरी माइनस बचेगा प्लस 5 cos x प्लस 5 cos x करेक्ट करेक्ट। तो 6 को तो उड़ा दिया, माइनस से साइन चेंज कर दिया और इसको फैक्टराइज कर दिया। इसके फैक्टर क्या है? 2 cos x प्लस 1 cos x प्लस 2, यही है क्या? यस सर। यस सर। यहां तक देखो किसी को डाउट है क्या? नहीं। इनमें से किसी टर्म को उड़ा सकते हो क्या? प्लस 2 तो cos x प्लस 2 cos x प्लस 2 को उड़ा सकते हो क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव। अब बचा है ये सब, इन सब में से किसी को नहीं उड़ा सकते। अब सबके क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे 0 टू पाई के बीच में, करेक्ट? यस सर। 0 टू पाई मार्क क्यों किया है? एनीबॉडी? इन एक्स बिटवीन 0 टू पाई। हां, क्रिटिकल पॉइंट के कारण नहीं, वो बोल रहे 0 टू पाई में ही करो, इसलिए मार्क किया। अब सबसे पहले cos x का क्रिटिकल पॉइंट बोलो। पाई बाय 2। पाई बाय 2। sin x का क्रिटिकल पॉइंट 0। 0 एंड पाई। cos x माइनस 1/2। उसका क्रिटिकल पॉइंट 2π/3। यस सर।
अब क्या फिक्स है क्या यहाँ पे प्लस ही आता है? नो सर, नो सर। एक साइन सोचो, जीरो से 90 के बीच में कोई वैल्यू रख के, कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, करेक्ट ना? यस यस। मैं तो जीरो प्लस रख रहा हूँ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सबको क्लियर होगा आई होप। यस। तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज, राइट एवरीवन? यस सर, यस सर। जीरो से पाई बाय टू यूनियन टू पाई बाय थ्री से पाई, क्या सबको क्लियर है? यस सर। Anybody doubt? Sir, sign change कर रहा था। Yes sir, sign change होना। Sign change क्या? Negative लेना है, my mistake. Very good. Negative लेना है तो pi by 2 से क्या answer हो जाएगा? 2 pi by 2 pi by 3. बिल्कुल सही, very good बच्चे। Clear है everyone? Yes sir. Yes sir. चलो नेक्स्ट चीज देखो, इधर आओ। फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज, जब ये इंटीग्रेशन में, तो एक्चुअली यस इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, बट बार बार आता है तो एक बार आप सीख ही लो यार। हम डेफ में तो कहाँ पे पढ़ेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। क्या बोलते हैं उस थ्योरम को जब इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन होता है, उसको बोलते हैं न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। क्या बोलते हैं? Newton's Leibniz theorem. तो अगर कोई इंटीग्रेशन है, लेट से f of x से g of x, या ऐसा बोल देता हूँ चलो u से v, और यहाँ है कोई f of t dt, यहाँ तक क्लियर? Yes, ये u किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। v किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। तो अब बताओ इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन x के, मतलब ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर, फाइनल आंसर किसके टर्म्स में होगा? t के टर्म्स में या x के टर्म्स? x के टर्म्स। ये तो सबको क्लियर है, x के टर्म्स में होगा एवरीवन? यस सर, यस। फिर डिफरेंशिएशन भी किसके टर्म्स में करूंगा? x के टर्म्स में। तो अभी ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये न्यूटन लेबनीज थ्योरम है जो अभी याद करनी है। तो सबसे पहले t को अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस, गैस करो आप क्या करूंगा? टी को किससे रिप्लेस करूंगा? लोअर लिमिट से रिप्लेस करूंगा, और लोअर लिमिट का क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। क्लियर है न्यूटन लेबनीज थ्योरम? यस यस सर, यस। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम बिकम्स, एक एग्जांपल करते हैं देखो, अगर इंटीग्रेशन है 2 से लेट्स से x, मान लो कुछ है f ऑफ t dt, तो di by dx क्या हो जाएगा? पहले t से रिप्लेस करो अपर लिमिट से, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। माइनस कांस्टेंट आते ही उसको जीरो लिख दोगे, बताओ क्यों? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो जीरो ही होगा ना बच्चों? यस सर। तो अब दोनों क्वेश्चन करो इसके बाद, कमान पहले न्यूटन लेबनीज थ्योरम कॉपी कर लो।
कॉपी हो गया? यस सर। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर फटाफट बताओ। चलो इसका डिफरेंशिएशन हर जगह टी को कैसे रिप्लेस करोगे? एक्स से इनटू क्या करूंगा? एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज वन, माइनस क्या आएगा? जीरो। जीरो जीरो तो बहुत लल्लू क्वेश्चन हो गया ना ये तो। यस सर। यस सर। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। सर वो वन कैसे आया एक्स का डिफरेंशिएशन? तेज बोल सर। वो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है ना आपने, तो वन कैसे आया? एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ बोलना सर, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर वन आएगा। मुझे लगा कि एक्स को रिप्लेस करके डिफरेंशिएट। नहीं पहले तो रिप्लेस किया हर जगह टी को एक्स से, देख लिख दिए दो टर्म्स। यस सर। और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? वन। प्लस बिल्कुल क्लियर फर्स्ट पार्ट एवरीवन? यस सर। चलो सेकंड पार्ट फिनिश करके लाना और आज होमवर्क भेजूंगा, स्टार्ट करना है मोनोटोनिसिटी का भी होमवर्क। सुन लिया? यस सर। यस सर। दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ।